हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना हूँ यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए। अगर आप चाहते हैं मेरे तरह यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए तो मैं इस वीडियो में उसी बारे में बताने वाला। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए, आप मेरे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन थ्रू प्राप्त हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर जाता हूँ। देखिए, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन जाने पर सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर के बाद आपको यहाँ पिक्सल ऐप को और पिक्सल लैब को आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद चलिए, मैं मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह से इंटरफेस आ गया। इसके बाद आपको यहाँ पे थ्री लाइन्स दिखाई दे रहा है ऊपर में, आपको यहाँ पे थ्री लाइन्स पे आपको क्लिक कर देना है। थ्री लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे इसके बाद आपको अगर इमेज साइज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इमेज सर्च किया उस पर आपको क्लिक करना है। इमेज सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा कस्टम, यहाँ पे कस्टम को चेंज करके आपको यूट्यूब थंबनेल पे आपको क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको देखिए यूट्यूब थंबनेल वाला पे आपका बैनर बन जाएगा। इसके बाद देखिए जो भी आगे उसको डिलीट कर देना है यहाँ पे टेक्स्ट को। और इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में यहाँ पे 1 2 3 3 1 2 3 चौथा नंबर वाला का इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ से कलर ले लेना। चलिए, मैं यहाँ से ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ब्लैक कलर मेरे को देखने में बहुत ही थोड़ा सा थंबनेल भी अट्रैक्टिव होता है। चलिए, मैं यहाँ से देख सकते हैं आप कलर पे जाके मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेता हूँ। चलिए, मैं यहाँ से ब्लैक कलर ले लिया। ले लेने के बाद आपको यहाँ पे सही करना है। सही करने के बाद आपको आपको देखिए यहाँ पे फिर प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए इसके बाद आप ऊपर में प्लस प्लस आप क्लिक करके यहाँ से फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके अपना एक एक कोई सा भी फोटो ले लेना। चलिए, मैं यहाँ से आप अपना एक फोटो ले लेता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड इरेज करके एक फोटो रखा हूँ, उसको मैं ले लेता हूँ। देखिए, जैसे उसको ले लिया, अगर आपको बैकग्राउंड इरेज नहीं करना था तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कैसे फाला जल्दी से बैकग्राउंड इरेज करना। तो चलिए, मैं यहाँ से एक देखिए यहाँ पे एक फोटो ले लिया हूँ। ले लेने के बाद देखिए जैसे कि इसको ले लेंगे, क्रॉप करके बैठा लिया। बैठा लेने के बाद आपको देखिए यहाँ जैसे बैठ गया, इसके बाद आपको नीचे में स्क्रॉल डाउन करना है। इसी पे क्लिक करके इसके बाद नीचे में आना है। नीचे में स्क्रॉल डॉट में फिर बीच वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद बीच वाले पे क्लिक करना है, स्टोर पे आपको आना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद आपका फोटो पर व्हाइट व्हाइट का चाहे जो जो सब कलर है वो लाइनिंग आ जाएगा आपको फोटो के गोले गोले, तो बहुत ही अट्रैक्टिव देखने को लगेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको सही कर देना है। यहाँ पे इसको इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे आप शैडो डाल दिया हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे में आना है। यहाँ पे ए वाला पे ऑप्शन क्लिक कर आपको टेक्स्ट लेना। टेक्स्ट लेने के बाद चलिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। टेक्स्ट पे आपको क्लिक कर टेक्स्ट लेना है। यहाँ पे आपको जैसे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यूट्यूब चैनल कोई सा भी लेटर लेता हूँ। यूट्यूब न्यू अपडेट लेके आप ओके कर देना। ओके करने के बाद देख सकते हैं इस टाइप से आपका। इसके बाद आपको नीचे में स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे में इधर में करना है। इसके बाद आपको देखते हैं यहाँ पे कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे एक कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं रेड कलर चाहे कोई भी कैसा भी कलर ले लेता हूँ। ले लेने के बाद आपको इसका इसका मैं इसका फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ। फॉन्ट चेंज करने के बाद देखिए अमरनाथ बोल्ड यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे चुनकी 5 यहाँ पे लिखा है, इसको मैं लेते हैं। ओके कर रहा। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे यूट्यूब न्यू अपडेट इस टाइप से दिखने लगा। इसके बाद नीचे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेना है। जब बैकग्राउंड कलर में क्लिक करके आप यहाँ से कोई सा भी ले लेता हूँ। चलिए, मैं व्हाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे चलिए मैं जैसे व्हाइट बैकग्राउंड ले लिया। लेने के बाद आपको इसका इसको नीचे से आप थोड़ा सा इधर का बड़ा छोटा भी कर सकते हैं और इसको गोला भी कर सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड में नीचे में ब्रश मिलेगा, उसको आप इधर उधर करके आप मैनेज मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद वहाँ पे आना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे यहाँ से भी आप उसका ले सकते हैं, जैसे फोटो में लिया उस टाइप से ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको बैठा देना है। इसको जैसे ही बैठा दीजिएगा, इसके बाद देखिए यूट्यूब फिर से आपको टेक्स्ट ले लेना है। टेक्स्ट लेने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि टेक्स्ट लेने के बाद देखिए यूट्यूब थंबनेल कैसे कैसे बनाए। देखिए यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, यहाँ पे मैं क्लिक कर देके लिख दिया यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देखिए यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा। इसके बाद आपको इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं येलो कलर ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं येलो कलर ले लिया। ले लेने के बाद आपको यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक करके आप कलर भी चेंज कर सकते। इसके बाद मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। फॉन्ट यहाँ पे फिर मैं वही जो सा फॉन्ट यूज करता हूँ वही फॉन्ट लेता हूँ, क्योंकि ये वाला फॉन्ट देखने को मेरे को बहुत अच्छा अच्छा लगता है। इसके बाद आपको इसको बैठा लेना है यहाँ पे। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे स्टोर पे आप आना है। आने के बाद आपको एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद कोई सा भी आपको ले लेना। चलिए, मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे
अब 3D भी कर सकते हैं, या फिर इसको बैठा देना है। बैठा देने के बाद आप देख सकते हैं थंबनेल, थंबनेल जैसा कि दोनों को सेटिंग करके बैठा देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे थंबनेल जैसे कि बन के रेडी हो गया, थंबनेल बन गया। इसके बाद आपको इसको सेव करना, सेव करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में 3 लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट इमेज दिखला दे रहा है आपको। एक्सपोर्ट इमेज पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ। इसको आपको देख दिया, देख रहे हैं सेव टू गैलरी, सेव टू गैलरी पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं सेव टू गैलरी पे क्लिक करने में देखिए मेरा थंबनेल बन के रेडी हो गया। इसको ऐड आ गया, इसको स्किप कर देना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना फाइल में जाकर कि थंबनेल बना है कि नहीं। चलिए मैं अपना फाइल ओपन कर लेता हूँ। देखिए ओपन करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बैनर बन के मतलब थंबनेल बन के रेडी हो गया। इस तरह से आप थंबनेल अपने यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप थंबनेल बनाने के सीख गए हैं तो भी आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।